लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सक्यूज मी, रूम चाहिए या बेड चाहिए? पूरा होटल दे दो, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें दिखने में गरीब नजर आ रहा हूँ क्या? डबल रूम विद एसी। ठीक है, एड्रेस और नाम लिख दो। नाम सलमान खान, एड्रेस मुंबई। कब तक रहेंगे? काम पूरा होने तक। किस काम से आए हैं? पर्सनल, सब कुछ आपको बताना होगा क्या? टेक इट द एडवांस। 420। हाँ, मुझे 420 कह रहे हो? आई एम पक्का जेंटलमैन। हाँ, मैंने रूम नंबर बताया है। तो फिर ठीक है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, क्या लेंगे, कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक? इतना ओवर एक्शन करता है, मतलब ओनर यही लगता है? हाँ जी, अच्छा पहचाना आपने। इसे देखा है क्या? ये कौन है, कहीं आपका भाई तो नहीं? नॉनसेंस, एक स्मगलर को मेरा भाई बोलता है। सर, जानकारी के लिए पूछ रहा था, ये स्मगलर है क्या? और नहीं तो क्या, हेरोइन के व्यापारी शेरू खान के पास से 10 लाख के हीरे चुराए हैं इसने। 10 लाख के? अभी भी वो हीरे उसी के पास है क्या? क्या चुराएगा क्या? अरे बाप रे बाप, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर वो इस लॉज में आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। कौन है बाहर? अरे भाई, मैं हूँ लॉज का ओनर। क्या भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये क्या है, दरवाजा बंद कर रहे हो? हाँ, खिड़की भी बंद कर रहे हो? सर, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। मैं भी उस टाइप का नहीं हूँ। चल चल, हीरा निकाल। हीरा? कौन सा हीरा? चुपचाप निकालता है या पुलिस को बुलाऊं? पुलिस नहीं सर, मैंने बहुत मेहनत से उसे चुराया है सर। बोल तो ऐसे रहा है, बड़ी मजदूरी की हो। अरे की तो चोरी है, चल ऐसा मत कहिए सर, हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। हीरो को दो हिस्से में करके हम दोनों बांट लेते हैं। हीरे के दो हिस्से करना चाहता है, नारियल नहीं है, हीरा है। लोहे को लोहे से काटते हैं और हीरे को हीरे से काटते हैं। अरे बापरे, ये हीरे को काटने के लिए एक हीरा कहाँ से चुराऊं? और एक रास्ता है, बता। 5 लाख मेरे मुंह पे मार दो। उतने पैसे नहीं है, 50,000 चाहिए तो बता। क्या कहा, सिर्फ 50,000? हाँ ठीक है, वही दे दो। चोरी के हीरे के बदले जो भी मिले वही सही। POLIKA, पुलिस। स्पेलिंग तो करेक्ट ही है, यहाँ पर क्यों आए हो? हीरा चोरी करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। हीरा मेरे पास नहीं है सर, सर ने खरीद लिया है। हैंड्स अप। हैंड्स अप करूंगा तो सीलिंग फैन लगेगा। हीरे चोरी करके उसे बंटवारा करता है। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो 3 हिस्सा कर लेंगे। हाँ, क्या कह रहा है, सिंसियर ऑफिसर को ऊपर से यूनिफॉर्म में? यूनिफॉर्म को बगल में रख दो ना सर, हम लोग 3 हिस्सा कर लेते हैं। मेरे लिए? अरे सुनिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये हीरा मेरे पास छोड़ दीजिए, आपको भी मैं 50,000 देता हूँ, दोनों मिलके लाख रुपए में समझौता कर लो। मेरी तरफ से भी ओके है। हाँ तो मेरी तरफ से भी ओके है। तू कहाँ जाता है बे, तुझसे तो बहुत कुछ हिसाब करना है। सर, चल इधर, चल चल। हेलो, अब कहाँ बे, चल मेरे साथ चल। अरे चल, यार। हाँ, हीरा। क्या हुआ डैड? क्या बात, हीरा है बेटी, हीरा 10 लाख का हीरा है। सच में डैडी, 10 लाख का है? हाँ, अरे मिला क्या कोई सांप का बिल है जो मिल जाए? मैंने अपना मास्टर ब्रेन यूज करके चोर और पुलिस को लाख रुपए दे के इसे हत्या लिया। चोर और पुलिस? क्या? हाँ। वो कौन है? अरे वो कोई VIP थोड़ी था जो मैं उसका एड्रेस और ऑटोग्राफ लेता है। वो VIP हो या नहीं, पर आप एक नंबर के बेवकूफ हैं। क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो? देखिए, बाप रे, मेरा हीरा टूट गया। हीरा नहीं है डैडी, पेपर वेट है। पेपर वेट? धोखा, इतना बड़ा धोखा? पुलिस में रिपोर्ट करें? हाँ? क्या पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो फंस जाएंगे। तो फिर अब क्या करें बेटी, मेरे लाख रुपए तो चले गए ना। तो हम इससे बड़ी चीटिंग करके उनसे पैसे ले आएंगे डैडी। जब जवान था तब बड़े बड़े सूटकेस चोरी करता था, रिटायरमेंट की एज आने के बाद ये देखो, पर्स चोरी करके काम चलाना पड़ रहा है। ये आप क्या बोल रहे हो पिताजी, आपने कहा था तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ड्यूटी पर नहीं जाऊंगा। अरे मम्मी, कम से कम आप तो समझाओ। समझाने से क्या फायदा, इस हाथ को ब्लेड पकड़ने की आदत है, अब तुम ही बताओ खाली कैसे बैठो। घर में रहते तो घर का ही सामान चोरी करके मुझे लाके कहते इसे बेच दो, ये बात जानता है? नहीं मम्मी, ये सब करने के लिए 2 बेटे है ना डैडी, ये आज का कलेक्शन। शाबाश, ऐसे काबिल बेटों के पिता होने पर मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। कौन है यार? ऐसा लग रहा है आप लोग अभी अभी बड़ी होकर सीधे स्कूल से यहाँ आ रही हैं। Shut up. हम हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं। सुनिए, हम में से किसी को भी मलेरिया फलेरिया नहीं हुआ, आप लोग जाइए। मिस्टर, आज पल्स पोलियो डे है, इसलिए पोलियो की बूंद फ्री में पिलाने आए हैं। तुम्हारे बच्चों को बाहर बुलाओ। अरे भाई, हमारे पास अभी बीवी ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे? चाहिए तो अगले साल आइएगा, बच्चों को पैदा करके आपके लिए रखेंगे। मतलब आपके घर में बच्चे नहीं है? तो फिर आप ही ले लीजिए। आपको क्या, हम कोई स्कूल जाने वाले बच्चे लग रहे हैं?
अरे मैडम, हमारी तो उम्र शादी करने की हो गई है। सी मिस्टर, इस शॉप में बहुत मजेदार बात है, ये बच्चों के लिए पोलियो दवाई है और तुम्हारे जैसे बड़ों के लिए शादी की पोलियो है। क्या कहा, शादी का? हाँ। पोलियो मजेदार है। ये दो बूंद बस ले लेने से परिवार और जिंदगी दोनों ही बहुत मजेदार हो जाते हैं। तो फिर जल्दी से पहले मेरे मुंह में एक शीशी डाल दो। आंटी आप भी ले लीजिए। हाँ, हाँ, ले लेती हूँ, फ्री में तो मैं फिनाइल भी पीने को तैयार हूँ। चलिए आराम से आराम से। तुम दोनों को चाहिए चाहिए ना, लेकिन ये तो बता दीजिए कि पीने के बाद हम मैच कहाँ खेलेंगे। सबसे पहले पिच रेडी करेंगे, तभी तो क्रिकेट मैच होगा ना। पियो ना। स्वर तो अच्छा, लेकिन मुझे कुछ कुछ हो रहा है। चल 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 जी दीदी, अब चलो चलते हैं। सिर्फ अपने ही पैसे ले जाने में कैसा थ्रिल। हाँ, बोनस के लिए टीवी और वीसीआर ले चलते हैं। ओके। हेलो डार्लिंग। हाँ, गुड मॉर्निंग माय सन। डैड डैड डैड, हेलो डैड, हाउ आर यू? क्यों रे, अभी तक सो रहे हो क्या? उठ गया हूँ डैड। आप क्या बोल रहे हैं? अरे एक घंटा पहले ही मैं उठ गया था, इस वक्त तो मैं जॉगिंग कर रहा हूँ डैड। वैसे भाई कहाँ है? अब यही मेरा डैड। हेलो डैड, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग, व्हाट आर यू डूइंग? ठंड लग रही है इसलिए शॉल ओढ़कर थोड़ी जॉगिंग कर रहा हूँ मैं। हाँ वेरी गुड, टाइम की कदर करोगे तो जिंदगी भर गुड टाइम। असल जिंदगी में जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग ये सब बहुत जरूरी है। अमेरिका से फिर कैसेट लगाया है तू? सुन भाई, मुझे नींद आ रही है। ओह यस डैड, यू आर ग्रेट डैड। आप जैसे पिता का बेटा होना हमारी खुशनसीबी है। ओ बॉय, आधे घंटे में आ रहे हो क्या? ओके डैड, आता हूँ डैड, बाय डैड। हर आधे घंटे में फोन करके मेरी नींद खराब कर देते हैं, इसके बाद नींद भी नहीं आती है। इस फोन बनाने वाले को धो देना चाहिए। लकी, सो जा भाई। और कितने दिनों तक ऐसे ही रोमांस चलेगा? अर्ली मॉर्निंग, यंग लवर्स का अच्छा मूड होता है और इसी टाइम डैडी फोन करते हैं। अब क्या करें, डैडी है वैसे भी, ये सब से हमें क्या। ओके बाय। दे दूंगा सीट, थोड़ा धीरज रखो, लॉकर का आखिरी नंबर तो सेट होने दो। भाई तुम फिर से ऐसा कह रहे हो, दो साल से तुम यही बात कर रहे हो, नंबर सेट नहीं होगा तो मेरा पैसा नहीं दोगे क्या? अरे मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि सेट होते ही दे दूंगा। वो सब मुझे नहीं मालूम, करेक्टली तुम्हें 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, जैसे मेरा पैसा लाकर देगा तो ठीक है, वरना मैं चला जाऊंगा। कहाँ पे? अजहर भाई के पास। क्या अजहर भाई? हेलो हेलो हेलो, काट दिया अजहर भाई। अरे बाप रे, लॉकर सेट नहीं हुआ तो खुल जा रे सिम खुल जा। मामा जी, व्हाट आर यू डूइंग? लॉक बराबर लगा है कि नहीं वही चेक कर रहा था। नंबर वाला ताला है मामा जी। अरे वो क्या है कि मैं इसका नंबर भूल गया हूं। इसका नंबर भूल गए हो? कितना सिंपल नंबर है। व्हाट इज दिस मामा जी? रशिया जनता से अमेरिका की जनता को निकाल के उसमें माधुरी दीक्षित के एस से मिला के विजया शांति के बदन के तिल से गुणा करके ताजमहल के संगमरमर से जब माइनस करेंगे तो जवाब अपने आप आ जाएगा मामा जी। अरे तुम्हारा फोन। माय पार्टी। हाय बेबी। डैड, हेलो डैड, हाउ आर यू डैड? हाँ क्या कर रहे हो? जॉगिंग कर रहे डैड, जॉगिंग। क्या बात कर रहे हो, दोपहर को जॉगिंग क्यों कर रहे हो? ऑफिस नहीं गए क्या? ऑफिस स्पेलिंग मिस्टर डैड, चेकिंग चेकिंग, फाइल चेकिंग कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हें एक खास बात बताने के लिए फोन किया है मैंने। व्हाट इज इट डैड? आने वाले 16 को मुहूर्त अच्छा है, उसी दिन तुम दोनों की मैरिज फिक्स की है। हमने आने वाले 16 को हमारा मैरिज फिक्स कर दिया। मैरिज, थैंक यू डैड। अब बोलिए डैड। पहले तुम जाके अग्नि बाबू से बात करो, एग्रीमेंट करना है। ठीक है रखता हूँ, एक घंटे के बाद फोन करता हूँ। ओके फाइन, ओके डैड, बाय डैड। डैडी ये बात अग्नि बाबू को बताने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो होंगे कहाँ इस वक्त? भाई अग्नि यही है? बता बता इसके पीछे किसका हाथ है? इज्जत से बता दे। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है, मुझे नहीं पता। सच मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। सच बताएगा कि नहीं? बताता हूँ बताता हूँ। सच बोलेगा तो छोड़ दूंगा, बोल। होम मिनिस्टर
एमपी वेंकट नारायण शंकर दयाल शर्मा, एमएलए नागेंद्र ओम प्रकाश हरिहरन, डीजेपी राम, पीएसपी बता दिया ना, अब मुझे छोड़ दो। अग्नि ने जबान दे दी तो दे दी, तो फिर छोड़ दो मुझे। ले छोड़ दिया।